नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मैकेनिकल डिप्लोमा फोर सेम में। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि ENT सब्जेक्ट या इंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट में वो कौन से 32 क्वेश्चन हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल वो क्वेश्चन लगभग लगभग 90% तक आते हैं। आज वही क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से कि पहला क्वेश्चन है आर्थिक विकास में उद्यमिता की भूमिका, यानी कि हमारे देश में के आर्थिक विकास में उद्यमिता की क्या भूमिका है, इसको समझाना है। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, उद्यमी के कार्यों को लिखिए। एक जो इंटरप्रेन्योर होता है उसके कार्य क्या होते हैं, इसको लिखना है। ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एक सफल उद्यमी की विशेषताओं को लिखिए। अगर कोई उद्यमी है वह सफलता कैसे प्राप्त करता है, उसकी विशेषताओं को लिखिए। और उस उद्यमी की असफलता का कारण लिखिए, कौन से कारण हैं जिनसे उद्यमी असफल हो जाता है। और पांचवा क्वेश्चन है, महिला उद्यमी की 5 विशेषताएं। महिला उद्यमी में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं जिससे वह उद्यमी बन सकती हैं। छठवां क्वेश्चन है, उद्योग की परिभाषा दीजिए। मैं उद्योग के प्रकार लिखिए। उद्योग की परिभाषा मतलब कि उद्योग क्या होता है और उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि लघु उद्योग होता है, दीर्घ होता है, मध्यम होता है, इस प्रकार से। और सातवां क्वेश्चन हमारा, अति लघु, मध्यम और लघु और बड़ा और सहायक उद्योग में जो है टिप्पणी करना है, या फिर कह सकते हैं कि समझाना है। और आठवां क्वेश्चन है, सहायक उद्योगों के लाभ लिखिए, कम से कम 6 लाभ। और नौवां क्वेश्चन है, कुटीर एवं लघु उद्योगों में अंतर। दसवां क्वेश्चन है हमारा, अधोसंरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। ग्यारहवां क्वेश्चन है, तकनीक सहायता से आप क्या समझते हैं, तकनीक की सलाह प्रदान करने वाली संस्थाओं के नाम, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री को बनाने के लिए उसमें कौन कौन से एडवाइज़र एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है, और एडवाइज़र जो होते हैं कंपनियों के नाम इसमें लिखने हैं। कम से कम 6 एडवाइज़र कंपनीज के नाम लिखने हैं। इसके बाद 12 क्वेश्चन हमारा है, विपणन यानी मार्केटिंग जो होता है उस पर टिप्पणी देना है। मार्केटिंग किस प्रकार आवश्यक है किसी भी इंडस्ट्री के विस्तार में, किसी भी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करने के लिए किस प्रकार ज़रूरी होता है मार्केटिंग। इसके बाद जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है वह है, उद्यमिता के विकास के लिए SISI की कार्यशैली पर एक समय नोट लिखिए। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, DIC पर संक्षिप्त टिप्पणी, मतलब डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर या इंडस्ट्री सेंटर भी कह सकते। इसके बाद है, MPAKVN पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इसको शॉर्ट में AVN भी बोलते हैं। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, MPFC का एक उद्यमी के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है। इसके बाद 17 क्वेश्चन है, अनुदान पर संक्षिप्त टिप्पणी, मतलब जो सब्सिडी मिलती है या दी जाती है उस पर टिप्पणी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मध्य प्रदेश में लघु उद्योगों को मिलने वाली रियायतों और अनुदानों को समझ, मतलब इसके लिए क्या नियम, मध्य प्रदेश में अगर लघु उद्योग स्थापित करना है तो उसके लिए क्या नियम हैं और क्या सब्सिडीज वगैरह हैं, ये सब ध्यान देना है। इसके बाद हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, परियोजना चयन पर संक्षिप्त टिप्पणी, परियोजना के चयन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, परियोजना चयन की 5 स्टेप लिखिए, कम से कम 5 स्टेप, वो कौन से हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आता है, बाजार संप्रेक्षण पर टिप्पणी लिखिए, बाजार संप्रेक्षण को समझाना है। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, PPR पर संक्षिप्त टिप्पणी। और हमारा 23 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, लघु उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को चरणबद्ध कीजिए। अगर कहीं भी लघु उद्योग अगर स्थापित करना है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है 24 नंबर, जिसमें PPR एवं DPR में अंतर समझाना है। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, समखंड विश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी। और 26 क्वेश्चन है हमारा, व्यवहार्यता अध्ययन से आप क्या
समझते हैं और किसी परियोजना की जीवन क्षमता का पता लगाने के लिए व्यवहार्यता का अध्ययन क्यों आवश्यक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, उद्यमी की संदर्भ में उपलब्ध अभिप्रेरणा को समझाना। और 28 नंबर है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का महत्व समझाएं। 29 नंबर क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के प्रकार समझाएं। और 30 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अनार्थिक विश्लेषण के लिए विभिन्न कारक लिखिए। आर्थिक विश्लेषण के लिए विभिन्न कारक लिखिए। इसके बाद 31 क्वेश्चन है हमारा नंबर, कोष प्रवाह विवरण के प्रमुख उद्देश्य बताइए। और आखिरी क्वेश्चन हमारा, क्रियाशील पूंजी पर संक्षिप्त टिप्पणी। दोस्तों ये हमारे वही क्वेश्चन हैं, इन 32 क्वेश्चन को आप पढ़ने के बाद ENT में कम से कम 90 नंबर तक का ला सकते हैं। ये परीक्षा का सबसे सरल तरीका है, आप इन सेलेक्टेड क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और 90% तक इसमें नंबर जो है ला सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले थे कि सबसे ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ENT के लिए कौन कौन से हैं, जो कि हमने अभी भी देखे 32 क्वेश्चंस। एक बार फिर से देख लीजिए आप, ये हमारे 32 क्वेश्चन जो है, तो इसमें जो फर्स्ट पेज पे है 12 क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं सेकंड पेज पे, इसमें 30 से लेकर 23 तक, ये एकदम से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये हर ईयर में बिल्कुल आते हैं, हर ईयर में ये सबसे ज़्यादा जो है तो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं सबसे लास्ट पेज पे, ये सिर्फ 2016 और 17 में ही नहीं बल्कि जितने भी ENT में अभी तक एग्जाम्स हुए हैं सब में ये हर साल आते हैं क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। ये जो 32 क्वेश्चन आज के हमने पढ़े ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर साल के लिए, ये बहुत ही हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जो है तो सारे जो क्वेश्चन हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है, पर इसको इंग्लिश में आप कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, तो हमारे वीडियो देखते रहिए, पसंद आते हैं नहीं आते हैं तो उसके बारे में कमेंट्स लाइक जो होता है वो करें, और हमें सुझाव दें कि हम अपने वीडियोस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकते हैं। और दोस्तों सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचते रहें। जब तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।